अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि कल अयोध्या हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिसे दूसरे चरण में समग्र क्षेत्र में वृद्धि और रनवे की लंबाई बढ़ाकर बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लगाई बड़ी छलांग, राष्ट्रीय पलक पर मिली नई पहचान। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प की सिद्धि के लिए पूरा प्रदेश एकजुट होकर मिशन मोड में आगे बढ़ चुका है। इस लिहाज से साल 2023 कई बड़े मानक गढ़ने वाला रहा। योगी सरकार ने FDI पॉलिसी के तहत अशोक लीलैंड को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए दी फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति। योगी सरकार ने FDI पॉलिसी 2023 के तहत अशोक लीलैंड लिमिटेड को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति दे दी है। कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना को FDI नीति 2023 के प्रावधानों के अनुसार फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पाया है। G20 उपग्रह के लिए भारत ने सदस्य देशों से किया योगदान का आग्रह, अगले 2 सालों में लॉन्च करने की तैयारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख S. सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि भारत ने सदस्य देशों से G20 उपग्रह के लिए योगदान करने का आग्रह किया है। सदस्य देशों से कहा गया है कि वे प्रस्तावित उपग्रह के लिए पेलोड उपकरणों के माध्यम से योगदान दें। इस उपग्रह को अगले 2 वर्षों में लॉन्च किया जाएगा। भारत में 24 घंटे में दर्ज हुए 797 नए कोरोना मामले 225 दिनों में सबसे अधिक है संख्या। भारत में COVID-19 के 797 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 225 दिनों में सबसे अधिक है, जबकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 4091 दर्ज की गई है। मंत्रालय के सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में कोविड के कारण 5 मौतें हुई, जिसमें 2 केरल से और 1-1 महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु से है। तेल के दाम में तेजी से प्रभावित नहीं होगी विकास दर। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक नरमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव के कारण तेल कीमतों में उछाल और उससे अगले वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि के प्रभावित होने को लेकर जोखिम न के बराबर है। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा। OP से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेन देन। एकीकृत भुगतान व्यवस्था के जरिए लेन देन का आंकड़ा अगस्त में 10 अरब को पार कर गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को UPI लेन देन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया। ई-कॉमर्स उद्योग में बढ़ेगी 7 लाख गिग नौकरियां, फेस्टिव सीजन में बड़ी अस्थायी कर्मचारियों की डिमांड। साल 2023 की दूसरी छमाही में ई-कॉमर्स उद्योग में 7 लाख गिग नौकरियां सृजित हो सकती है। इसका कारण ये है कि कंपनियां त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही हैं।